जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर भड़का, कहा ये वोटर्स के साथ मजाक। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें चुनाव आयोग पर भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट, कहा ये वोटर्स के साथ मजाक। अजीत शरद पवार गुट का मामला, अजीत और शरद पवार पर चल रही सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई दल बदल करता है और फिर पाला बदलने वाले गुट को ही असली पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की प्रवृत्ति की आलोचना की और कहा कि ये मतदाताओं के साथ मजाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार दल की ओर से याचिका में चुनाव आयोग के 6 फरवरी वाले फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें आयोग ने पार्टी का नाम और चिन्ह अजीत गुट को दे दिया था। लाइव लॉ इनके मुताबिक अजीत और शरद पवार गुट को लेकर सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपना फैसला विधायक की ताकत के हिसाब से तय किया है, जबकि संगठनात्मक शक्ति को दरकिनार किया गया। यह स्थिति संविधान की 10वीं अनुसूची का पालन नहीं करती है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की हो। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश DVI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भी असली शिवसेना का चयन करने के लिए विधायकों की संख्या को आधार रखने पर चिंता जताई थी। उद्धव ठाकरे गुट ने मामले में याचिका डाली थी कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के उनके फैसले को पलट दिया था। 2 सप्ताह पहले मामले में सुनवाई करते हुए CGI चंद्रचूड़ ने सवाल किया था कि क्या स्पीकर के फैसले ने सुभाष देसाई मामले में संविधान पीठ के फैसले का खंडन नहीं किया है। 10 जनवरी को महाराष्ट्र विधानसभा में फैसले लेते हुए स्पीकर नार्वेकर ने माना था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट ही असली शिवसेना है, क्योंकि 21 जून 2022 को उनके पास शिवसेना के 54 में से 37 विधायकों का भारी बहुमत था। अब शरद पवार गुट NCP शरदचंद पवार ने चुनाव आयोग द्वारा अजित पवार गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। इस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जे विश्वनाथ ने कहा कि जब चुनाव आयोग किसी गुट को संगठनात्मक ताकत के आधार पर नहीं केवल विधायी ताकत के आधार पर मान्यता दे रहा है तो ये विभाजन को मान्यता नहीं दे रहा क्या, जो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वीकृत नहीं है। न्यायाधीश ने आगे कहा, इस तरह आप दल बदल करा सकते हैं और पार्टी के चिन्ह पर दावा कर सकते हैं, क्या ये मतदाताओं के साथ मजाक नहीं होगा। शरद पवार गुट को आशंका है कि घड़ी चुनाव चिन्ह से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनेगी और वो अपने मनचाहे उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शरद गुट की याचिका ठुकरा दी और फैसला अजित पवार के पक्ष में सुनाया। अदालत ने कहा कि अजित पवार के पास घड़ी चुनाव चिन्ह रहेगा, इसके अलावा शरद पवार गुट के लिए तुर्रा चलाने वाला आदमी का चिन्ह दिया। साथ ही निर्वाचन आयोग को भी निर्देश दिया कि शरद पवार गुट को दिया चिन्ह और नाम किसी और दल या निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं दिया जाएगा।